जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वॉइस जो है क्लियर है या नहीं। पिछली क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था? तो धूमिल की रचनाएं, नई कविता के प्रमुख कवि समझ लीजिए धूमिल, है ना। तो क्या क्या उनकी कविताएं हमने देखी? रोटी और संसद, ठीक। अब किस किस में ये संकलित हैं? इनकी धूमिल की प्रमुख कविता संग्रह क्या क्या थी? पहला था संसद सड़क, दूसरा क्या था मुझे, और तीसरा, ठीक। तो मेन इनकी जो ये चारों कविताएं हैं दो कविता संग्रह में संकलित है। किसमें किसमें? नक्सलवाड़ी, हाँ, और संसद से सड़क तक। अकाल दर्शन भी संसद से सड़क तक में तीनों क्या है, संकलित है। सड़क और ये जो है जिसमें संसद दिया है, रोटी और संसद, तो ये किसमें है, उप जाता है। इस तरह के जो थे कवि ने इसमें पूछा था। फिर रोटी और संसद ये क्या था, कल सुनना मुझे में संकलित है, ठीक। तो ये क्या निचले स्तर से ऊंचे स्तर के दो जो है स्थानों का या फिर क्षेत्रों का समझ लीजिए, स्तरों का इसमें कवि ने क्या है सम्मेलन किया है। अब आज जो देखेंगे इसके बाद अगले कवि कौन थे? अरे तो इतना डार्क है कि मिट नहीं रहा। जीवन परिचय हो गया, क्या क्या रचनाएं थी उनकी प्रमुख? दूसरा वाला ही सही है। ये पंखा चल रहा करके ना शायद मिट नहीं रहा। तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो अगली कविता है गीत परोस, लिखिए। क्या लग रहा है सुन के? गीत फरोश। अच्छा, इन्हें भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा है? किसने कहा है? कहानी का हृदय प्रकाश नाम है उनका वो, ठीक। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। ठीक, तो इनकी कविता हम देखेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश। और किस विचारधारा से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? गांधीवाद। धूमिल किस तरह के थे? वामपंथी उग्रवादी, मतलब उनकी थी धारा की। ये देखिए गीत फरोश जो है 1956 में काव्य संग्रह जो इनकी थी, गीत फरोश करके इनकी काव्य संग्रह है ना, उसी में ये गीत फरोश कविता
संकलित है। संकलित, और मैंने बताया था भवानी प्रसाद मिश्र के सारी रचनाएं इनके मृत्यु के पश्चात ही क्या थी, प्रकाशन में आई थी, है ना। अच्छा सॉरी, इनका नहीं था, ये गजानन माधव मुक्तिबोध का था जो अभी देखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध की ढेर सारी रचनाएं थी, प्रसिद्ध थी, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात ही सबका जो है प्रकाशन हुआ था। तो गीत फरोज जो है मूल लिखा गया 1947 में और प्रकाशन में आया था 1956 में। रचना कब हुई इसकी, 1947 में। प्रकाशन में कब आया, 1956 में। गीत फरोज उनकी काव्य संग्रह है उसमें जो है ये प्रकाशित हुई। अब गीत फरोज लग रहे ना गाने से संबंधित होगा, और फरोज का अर्थ क्या होता है, बेचना। गीत फरोज, गीत बेचना, ठीक। इसमें क्या है, कवि क्या कह रहे हैं, गीत फरोश अर्थात गीत बेचना। विषय है, कवि ने अपने फिल्मी जीवन के बिताए हुए पलों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया। दोहरा इनका था ना, मतलब एक कि अपने जीवन में जिस तरह से उन्होंने पल बिताए हैं, ठीक, उनका उन्होंने क्या किया यहाँ वर्णन किया है। दूसरा, उसी समय में जो साहित्यकार थे उनकी जो दयनीय स्थिति थी उसका भी वर्णन उन्होंने इन कविता में किया है। तो दोनों लिख लीजिए, कवि ने अपने फिल्मी जीवन के बिताए हुए पलों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने अपने फिल्मी जीवन में बिताए हुए पलों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है, तथा इसी कविता के माध्यम से कलाकारों की लाचारी की व्यथा का भी चित्रण किया है। इनकी कलाकार कैसे, तो जो गीत वाले हैं और अन्य तरह के जो कलाकार थे, ठीक, उन सभी की लाचारी का वर्णन कवि किसमें कर रहे हैं, गीत फरोश में। अब पंक्ति शुरू करूं और लिख लेना कोष्टक में, ये गीत इन्होंने अपने दादाजी को समर्पित किया था। अगर पूछे किसको समर्पित था, तो इनके दादाजी को। तो कविता इस तरह है, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। वो खुद कह रहे हैं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। किसको कह रहे हैं, मतलब खरीददार को, जो खरीदेगा उन सबको जो है अपने गीतों के बारे में कह रहे हैं कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। अब यहाँ तरह तरह, किस्म किस्म, अर्थ में लगभग समान ही होता है ना, कि तरह तरह मतलब अंतर, और किस्म किस्म भी मतलब वही है कि अनेक प्रकार का, लेकिन यहाँ इन्होंने थोड़ा सा अंतर भेद में लिया है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मतलब ये गीत बेच रहे हैं, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मतलब वो गीत भी है काफ़ी सारे प्रकार के हैं, और उन प्रकारों के अंतर भी काफ़ी सारे किस्म हैं। कुछ दुख के गीत हैं, ठीक, कुछ हंसी के गीत हैं, कुछ और जो है खुशियों के गीत हैं। तो इस तरह के इनके गीत के किस्म जो है ये बेचते हैं। जी माल देखिए, दाम बताऊँगा। अब ये क्या कहते हैं कि आप पहले क्या है, माल देखिए, जो मैं बेच रहा हूँ, जो गीत मैं बेच रहा हूँ, आपको माल देखिए, उसका दाम फिर मैं आपको बताऊँगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊँगा। और क्या कहते हैं कि मैं जो बेच रहा हूँ वो बेकाम नहीं है, वो आपके काम आएगा, मैं आपको वो भी बताऊँगा कि क्या काम आएगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में। अब वो कहते हैं कि किस तरह की स्थिति में उन्होंने गीत लिखे, तो कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में। मस्ती और पस्ती दोनों अलग अलग स्थिति है। मस्ती में मतलब जब उनकी भावनाएं, ठीक, जब उनका मन क्या था, बहुत खुशी में था, ठीक, तब उन्होंने कुछ गीत लिखे। फिर कुछ गीत लिखे पस्ती में, मतलब कभी कभी परिस्थिति क्या है, बदल जाती है, जहां हम हंसते हैं वहीं कुछ क्षण के बाद हम रोते भी हैं, दुखी हो जाते हैं।
तो ये भी क्या है, पस्ती में दुखी में भी इन्होंने कुछ गीत लिखे। ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, ठीक, ऐसा गीत है जो आपका सरदर्द भुलाता है। अभी भी काफ़ी सारे अगर इसको रियलिटी में मिले, वास्तविकता में भी होता है, कुछ लोग जो है गाना सुनते सुनते सो जाते हैं, कुछ लोगों को गाना सुनते सुनते थोड़ा शांत महसूस होता है। तो ये भी उसी तरह का कह रहे हैं कि ये गीत क्या है आपका, सख्त मतलब बहुत पुराना जो सर दर्द है उसको भुलाएगा। ये गीत पिया को पास बुलाएगा, एकदम सरल है सुन के, मतलब ऐसा होगा कि शायद याद हो जाए। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, जब ये बेचने के लिए आए अपना गीत तो ये कहते हैं कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको, जो लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। कि इनको क्या लगा जब आए शुरू शुरू तो इनको शर्म लगा, होता है ना कभी कुछ काम जो कभी किए नहीं रहते और अचानक से ढेर सारे लोगों के बीच अगर हम वो काम करें तो हमें क्या होती है, शर्म होती है, खुद में हम झिझकने लगते हैं। और कहते हैं पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको, और धीरे धीरे इनको जो है अनुभूति हुई, इनको अक्ल आया, जी लोग ने तो बेच दिया ईमान। कि वर्तमान परिस्थिति में कैसे हैं, सारे लोगों ने अपने ईमान क्या है बेच दिए, सारे राजनेताओं ने अपने ईमान बेच दिए हैं। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, और अब क्या कहते हैं कि मैं सब सीख चुका हूँ कि सब क्या है बेईमान है, सब ने अपना ईमान बेच दिया, तो मैं भी अपने गीत जो है अब सोच समझ कर बेचता हूँ। ये गीत सुबह का है गाकर देखें, ये गीत गजब का है ढाकर देखें, ये गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था, ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता, ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाए, ये गीत भूख और प्यास भगाता है, जी इस मसान के भूत जगाता है, ये गीत भुआली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर, मैं सीधे सीधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। मतलब एकदम सरल है, अगर प्रश्न इससे आता है तो पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि किसका है गीत परोस कविता का पंक्ति है, और उसके रचनाकार कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक। और ये संकलित किस में है गीत परोस कविता, तो उन्हीं के काव्य संग्रह गीत परोस कविता में। इनके बाद इनका एक और प्रसिद्ध है गीत परोस का, तो उतना मैं नहीं देखी प्रश्न, लेकिन जो सतपुड़े का घना जंगल वो जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सतपुड़ा के घने जंगल, और ये कविता भी किसमें संकलित होगी आपकी, गीत फरोश में, ठीक। 1956 इनकी जो रचना है गीत फरोश उसी में संकलित है। और ये लिखा कब गया था, तो 1939 अगस्त 1939। सेम है ये भी, गीत फरोश में ही संकलित है। संकलित, अब इसको भी सुन के लग रहा है कि क्या है, सतपुड़ा का जो घना जंगल है, ठीक, जिसे आज तक पूर्ण रूप से कोई एकदम जाके वहां घूम नहीं सका, जिस तरह की पहले की परिस्थिति थी भारत में, जिस समय ये कवि थे समकालीन उस समय, तब तत्कालीन परिस्थिति कैसी थी, जंगल और बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत सघन था, ठीक। तो उस सतपुड़ा के जंगल का इन्होंने वर्णन किया है, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने भी क्या किया, वहाँ की राजनीति का वर्णन किया, जो क्या है एक जंगल की तरह है, जिसके अंदर लोग क्या है फंसे हुए, जिनके लिए वहाँ जीना सांस लेना भी क्या है मुश्किल होते जा रहा है। लिख लेना इसमें, ये अंतिम इसमें जो है 36वां नंबर का कविता है, टोटल इसमें 68 कविते हैं, किसमें गीत फरोश जो रचना है, बताई थी क्या कितने कविता है, नहीं, तो गीत फरोश जो काव्य संग्रह इसमें 68 कविता है, ठीक। और ये किस क्रम का है, तो 36वां
वैसे तो इतना नहीं पूछेगा, पर क्या पता नए तरीके से वो इतना जो घुस घुस के डिटेल से पूछ रहे, तो पूछ दे किस क्रम का है, या ये पूछ सकता है कि गीत फरोश में कितने कविताएं संकलित है, तो 68 कविता, ठीक, और सतपुड़ा 36वां कविता है उस क्रम का। 1939 के भारत के लोगों से और सतपुड़ा के जंगल से जो है इन्होंने संबंध इस कविता में रखा है। 1939 में जो भारत के लोग थे और सतपुड़ा का जंगल, दोहरा अर्थ वाला प्रतीक वाला है, उन्होंने सतपुड़ा के जंगल का भी जो है वर्णन किया है और एकदम यथार्थता के साथ किया है, और साथ में उनका एक और अर्थ आता है जो भारत के लोगों के संबंध में है। और ये भी कविता काफ़ी लंबी है, दो पैराग्राफ पढ़ के बता रही हूँ इसको, वैसे तो मैं ग्रुप में सेंड कर दी हूँ। ये जो पहला पढ़ रही वही पूछा गया था कि सतपुड़ा के घने जंगल के कवि कौन है, किसमें संकलित था नीट 2020 में, ये जो है सतपुड़ा के जंगल की पंक्ति पूछी गई है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। क्या बोल रहे हैं कि सतपुड़ा का जंगल कैसा है, बहुत घना। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, एकदम घनी हुई, मतलब सरकार की पहुंच हर जगह है, ठीक। नींद में डूबे से ऊंघते अनमने जंगल, और यहाँ लोग कैसे हैं, जंगल कैसा है, नींद में डूबा है और ऊंघते, दोनों का अर्थ समान है ना, लगभग। कोई इंसान नींद में डूबा है मतलब वो पूर्ण रूप से सोया है, जिसको वर्तमान में उसके आसपास क्या हो रहा है उसकी सुध नहीं। लेकिन ऊंघते जंगल में क्या है, ऊंघते अनमने जंगल, कि हल्का सा नींद में है, आँख थोड़ा सा खुला है उसको, एकदम हल्का सा ही जो है आभास है कि बाहर ये चल रहा होगा, ये नहीं। तो ये दो स्थिति, एक एकदम गहरी और एक उथली हुई। तो वही कह रहे हैं नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, झाड़ ऊँचे और नीचे चुप खड़े हैं आँखें नीचे। और कैसी है झाड़, कुछ झाड़ ऊँची कुछ झाड़ नीची, और सब क्या है, आँखें नीचे, मतलब बड़े बड़े झाड़ हैं सब आँखें नीचे। उसी तरह लोग भी क्या हैं, सरकार की उस जो शासन तंत्र है, ठीक, उसके विरोध ना कर पाने की वजह से वो क्या है, सब सिर झुकाए जो है नीचे खड़े हुए हैं, ऊंचा जो है उठा के विरोध करने की इनमें क्या है, शक्ति नहीं है। घास चुप है, कास चुप है, मूक साल पलास चुप है। तो घास क्या है, वो भी चुप है, कास जो फूल होता है वो भी चुप है, मूक साल जो साल वृक्ष वो भी मूक है, और पलास भी क्या है, चुप है। तो सारे लोग जो सिर झुकाए हैं, साथ ही उनसे बड़े कुछ पहुंच वाले लोग हैं जिनके जो है यहाँ स्तर बताया गया है कि घास साल पलास, वो सभी भी क्या है, सब चुप चाप हैं। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। अब कभी कहते हैं कि अगर तुम में साहस है तो तुम यहाँ आके धसो, एक ऐसी जंगल, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहाँ लोग क्या है रह रहे हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी आके यहाँ धसो। धस न पाती हवा जिसमें, ऐसी जगह इतना सघन, ठीक, इतना क्रूरता है वहाँ शासन की कि आम इंसान क्या है वहाँ खुल के सांस नहीं ले पाता। तो अगर तुम में साहस है तो तुम उस जंगल में, उस जंगल रूपी राजनीति में जो है घुस के दिखाओ। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। अब यहाँ प्रकृति का वर्णन है, सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते, पत्तों का वर्णन है। अब उतना बड़ा जंगल होगा, कुछ नए खिल रहे हैं पत्ते तो कुछ क्या है, झड़ रहे हैं, गले रहे हैं, कहीं जल रहे हैं। उसी तरह से व्यक्ति भी, किसी की जीवन स्थिति बहुत अच्छी है, कई पूर्ण रूप से आभास का जीवन जी रहे हैं, है ना, एकदम गरीबी वाला समझ लो वैसी जो है उनकी जीवन स्थिति है। वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते, और कुछ पत्ते इतने बड़े जो गिरे हुए हैं और क्या है पूरे जमीन को जो है ढके हुए हैं। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। और है लंबी सी, बस वो पढ़ के सुना देती हूँ। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं। यहाँ भी राजनेता ही कह रहे हैं कि जिस तरह की उनकी नीतियाँ थी
कहीं का कहीं कुछ भी नीतियां बना रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं ना, लागू कर रहे हैं, तो वो क्या है, डालियों को खींच खा रहे हैं, मतलब सामान्य जो लोग हैं ठीक, उनको क्या है, खींच के खा रहे हैं, उनकी खून चूस रहे हैं। पैर को पकड़े अचानक प्राण को कलले कपाए, साप सी काली लताएं, लताओं के बने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल, मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाम काले लाल मुंह पर, वात झंझा वहन करे, चलो इतना सहन करे, कष्ट से ये सने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल। पंक्ति सुन के स्पष्ट हो जाएगा कि जंगल क्या है, उसी तरह गीत फरोश का भी एकदम आसान है, सुन के पता चल जाएगा कि वो क्या है, गीत फरोश कविता जो किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की, उनकी कविता में संकलित है, शायद इनकी दो ही है। ठीक, अब कौन से कवि बचे हैं, हो गया ना, ठीक। अब लिखिए गजानन माधव मुक्ति बोध, जिनका अभी तक बचा हुआ था, लिखवाई हूँ क्या उनका, नहीं लिखवाई ना, इसीलिए क्योंकि उनकी जो महत्वपूर्ण कविता है ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, वो सब इकाई 5 में भी है। हाँ, वो प्रयोगवाद में भी थे, प्रथम तार सप्तक जो था उसमें भी थे ना, पहले कवि थे, उनकी 20 कविता संकलित थी, लेकिन उनकी कुछ रचनाएं प्रगतिवाद में भी आती है और कुछ क्या है, नई कविता में भी आती है, सॉरी प्रगतिवाद बुरी, प्रयोगवाद। ठीक, तो इसलिए इनको मैं नई कविता में रखी, क्योंकि लास्ट में इनकी कविता है इकाई 5 में भी, तो जब वो चल रहा है तो साथ साथ जो है इनको इसी में रखते हैं। पर याद रखना, अगर मूल रूप से ऐसे ऑप्शन में नई कविता नहीं है और पूछे किस बात के हैं, किस काल के हैं, तो प्रयोगवाद, ठीक। और अगर नई कविता दिया हो तो नई कविता में ही आपको जो है, हाँ दोनों के हैं। १९१७ इनका जन्म था और १९६४ इनकी मृत्यु। और जन्म कहाँ हुआ अगर पूछे तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक। गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म 1917, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, और मृत्यु 1964। इनकी ही बात कर रही थी कि इनकी सारी रचनाएं लिखी तो इन्होंने बहुत सारी है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके जीवित अवस्था में कोई भी प्रकाशन में नहीं, एक ही थी जो प्रकाशन में आया था और फिर इनकी जो है मृत्यु हुई थी, बाकी सब इनकी मृत्यु के बाद था। पिता इनके थे माधव राव मुक्तिबोध और माता पार्वती बाई। पिता और माता लिख लीजिए पार्वती बाई। अब नाम से है कि माधव राव मुक्तिबोध क्या है, इनके पिता है, तो इनके नाम में इन्होंने अपने पिता का नाम लिया मुक्तिबोध। इनका क्या था, ये वंशज था, ठीक। इनके दादा परदादा पिता सब जो है अपने नाम के पीछे मुक्तिबोध लगाते थे, तो इन्होंने भी जोड़ा, किसने, गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। शिक्षा इनकी उज्जैन में हुई थी और BA इन्होंने इंदौर से किया, MA इन्होंने नागपुर से किया, ठीक। कृति अगर इनके देखें तो इनकी काव्य कृति लिखिए, तो सबसे पहले इनका कामायनी पुनर्विचार 1952,
कमाई ऐसा कर दीजिए पुनर्विचार। कमाईनी जो रचना है किसकी, उसी का जो है आधार लेके उस पर कुछ नया अपन इन्होंने जोड़ा, किसने, गजानन माधव मूर्तिबोध ने। तो इसका प्रकाशन जो है 1952 में था, यही एक रचना थी। इसके बाद इनकी जो काव्य संग्रह है अगली वो है चांद का मुंह टेढ़ा 1964, ये सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है। टेढ़ा आएगा 1964, ये इनकी मृत्यु के पश्चात जो है प्रकाशन में आया। साहित्य यात्रा की डायरी इनकी थी, एक साहित्य यात्रा की डायरी 1965, लिख लीजिए एक साहित्य यात्रा की डायरी। ठीक, ये एकदम अच्छे से याद रखना, चांद का मुंह टेढ़ा भी बार बार इसी को पढ़ेंगे। और ये भी जो है पूछा जाता है कामायनी पुनर्विचार किसकी रचना है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का। फिर अगला है इनका कहानी संग्रह काठ का सपना, ठीक काठ का सपना, और इसका प्रकाशन हुआ था 1966। क्रम से जो है रचनाएं याद करनी है, महत्वपूर्ण जो है वो अच्छे से। अगला है नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध 1968, नई कविता का आत्म संघर्ष व अन्य निबंध 1968। ठीक, इसके अलावा और इनकी रचनाएं हैं विपात्र उपन्यास है 1970, लिखिए विपात्र। उपन्यास विपात्र होगा, सॉरी सा है ये विपात्र 1970। नई साहित्य का सौंदर्य 1971, ठीक नई साहित्य का सौंदर्य कब आया प्रकाशन में 1971। फिर सत्ता से उठता आदमी, ये इनकी कहानी संग्रह है दूसरी, सत्ता से उठता आदमी, ठीक 1971। भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह 1980, लिखिए भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है इनकी 1980। इनकी दो कहानी संग्रह हमने अभी लिखी, क्या क्या और और कविता संग्रह क्या है, और भूरी भूरी खाक धूल 1980, वो भी कविता संग्रह ही है, लिख लीजिए। और मुक्ति बोध रचनावली,
जो किसने लिखा है, नेमीचंद जैन। ठीक, इनकी गजानन माधव मुक्ति बोध की रचनाओं का संकलन मुक्ति बोध रचनावली नेमीचंद जैन ने 1980 में लिखा है। अब जो हमारे सिलेबस में इनकी कविताएं संकलित है वो देखते हैं कौन कौन सी है, क्या क्या है। तो अच्छा, इनके बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, वो लिखे। मुक्ति बोध का काव्य संकलन रामस्वरूप चतुर्वेदी। मुक्तिबोध का काव्य संकलन हो गया चांद का मुंह टेढ़ा। कौन से काव्य संकलन की बात कर रहे हैं, तो चांद का मुंह टेढ़ा। एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगती है, क्या लगती है, स्केच बुक। किसकी, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। जो काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा वो कैसा लगता है, बहुत बड़े कलाकार की स्केच बुक लगती है। किसने कहा ये कथन, तो चतुर्वेदी ने। ठीक, अब इनकी पहली कविता है भूल गलती। लिखे क्या है, भूल और गलती। अब इसका संकलन किसमें होगा, चांद का मुंह टेढ़ा, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1964। मृत्यु के बाद हुआ, एक 1952 वाला था क्या, कमायनी पुनर्विचार। ठीक, और भूल गलती चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। इनकी काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में क्या है, संकलित है। अच्छा, ये याद रखना, इनकी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना फैंटसी शैली में अधिकांश जो है देखने को मिलती है। कौन सी शैली, फैंटसी शैली। नया है ना, नई कविता आ गई, नए शैली शुरुआत की, तो कौन सी, फैंटसी शैली। और फैंटसी शैली होता क्या है, एक ऐसी कल्पना कवि द्वारा, एक ऐसी कल्पना जगत का, ऐसी कल्पना विषय का अनुमान कर लेना जो कभी भी वास्तविक जीवन में घटित हो ही नहीं सकती। ठीक, तो ऐसे जो है अनुमानी इनके जो है कल्पना संबंधित विषय से जब ये कविता लिखते हैं या काव्य रचना करते हैं तो वो फैंटसी शैली में आता है। ठीक, अब भूल गलती जो है, कैसा शब्द है भूल गलती, क्या लग रहा है, ये दोनों सेम ही है, है ना, समान ही लगता है ना, भूल हो गई या गलती हो गई, लेकिन थोड़ा अंतर है। भूल कैसा होता है, जो अनजाने में होता है, और गलती कभी कभी जानबूझ के की जाती है, तो भूल गलती। अब इसमें क्या है, भूल गलती बादशाह जो है कविता का उसका नाम है। ठीक, और इसमें दो पात्र हैं, एक ईमानदार करके है और एक सच्चाई। रुको, लाइन से उसको लिखना, पहले सुन लो क्या है। कविता के माध्यम से कवि क्या है, समाज में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है और अनैतिकता की ओर संकेत करते हैं, जिसके दमन चक्र में सत्य और ईमान पिसकर रह गया है। लिखना चाहो तो लिख लो, पढ़ के स्पष्ट हो जाएगा। वर्तमान का क्या, समाजव्यापी भ्रष्टाचार। ठीक, समाजव्यापी भ्रष्टाचार और अनैतिकता की ओर संकेत है।
और इसी भ्रष्टाचार और अनैतिकता में, ठीक, और जिसके दमन चक्र में, मतलब इस भ्रष्टाचार और अनैतिकता के दमन चक्र में सत्य और ईमान क्या हो जाते, पिसकर रह जाते हैं। ठीक, और इस भ्रष्टाचार और अनैतिकता का कारण क्या होगा, कौन ला रहा है भ्रष्टाचार और अनैतिकता, तो सत्ता जो है, राजनीति जो है, उसमें जो गलत लोग थे, ठीक, तो कारण क्या है, सत्ता में गलत लोगों का आना जो स्वार्थ के दायरे में कैद है और स्वार्थ के लिए ही शासन कर रहे हैं, तो सत्ता का गलत लोगों के हाथों में आने से भ्रष्टाचार और अनैतिकता बढ़ रही है, जिसके दमन चक्र में सत्य और ईमानदारी पिसकर रह जाते हैं। अब लिखिए कविता में ये जो भूल गलती है, ठीक, लिखिए कविता में भूल गलती को एक संसा के रूप में चित्रित किया गया है, किस रूप में, संसा, ठीक, कविता में भूल गलती को संसा के रूप में जो है चित्रित किया गया है, जिसके दरबार में समाज के क्या है, सभी वर्गों के कायर और डरपोक लोग सिर झुकाकर खड़े हैं, किनके दरबार में, तो ये जो बादशाह है भूल गलती के दरबार में कैसे लोग हैं, जो सब डरपोक और कायर है और इनके सामने जो है इनके गलत निर्णयों पर भी सिर झुकाकर खड़े हुए हैं। दरबार में सत्य और ईमानदार, ये दो पात्र समझ लीजिए या दो व्यक्ति हैं, सत्य और ईमानदार, तो इनको क्या है, दरबार में सत्य और ईमान को जंजीरों से जकड़कर लाया जाता है। अब यहीं का जो है वर्णन शुरू होता है कविता में। पहले क्या है, कवि जो दृश्य है, प्रारंभिक दृश्य या प्रारंभिक रूप कविता में हमेशा उसका वर्णन करते हैं, उसके बाद मूल क्या है कविता का, वो बीच से प्रारंभ होगा। तो भूल गलती क्या है वो पहले देखते हैं, क्या परिस्थिति थी, किस तरह का इनका जो है दरबार था। भूल गलती आज बैठी है, पहले क्या लिखते हैं, पहली पंक्ति में भूल गलती आज बैठी है जिरह तर पहनकर तख्त पर दिल के। तो जो भूल गलती सहनसा है, सहनसा शब्द कैसा है, मुगलों के लिए होता था ना सहनसा, जो मुगल सम्राट थे, भारत के लोगों को तो राजा महाराजा कहा जाता था, तो जो मुगल सम्राट थे जो विदेश से आके यहाँ शासन किए थे, इन्हीं से प्रभावित होके क्या था, समाज में भ्रष्टाचार और अनैतिकता, ठीक, इन्हीं के प्रभाव से जो थे तत्कालीन राजनेता जो थे प्रभावित थे और इसी तरह निरंकुश शासन करते थे। तो कवि कह रहे हैं कि जो भूल गलती बादशाह है वो आज बैठी है जिरह बख्तर पहन के, जिरह बख्तर, क्योंकि मुगल शासक है तो शब्द भी वैसे होंगे, तो जिरह बख्तर क्या है, जंजीर, जंजीर वाला कवच। कोई पुराना मूवी देखे, उसमें जब लड़ने के लिए जाते हैं ऐसे मुस्लिम जो शासक थे तो पहनते थे ऐसे जंजीर वाला कवच और ऐसा उसी का टोपी वोपी उनका पूरा रहता था, तो उसी का तरह के दृश्य का वर्णन है कि जो शासक है बादशाह है भूल गलती वो आज क्या है बैठा है क्या पहन के, जंजीर वाला कवच पहन के, तख्त पर दिल के, तख्त मतलब सिंहासन और दिल के मतलब आम लोगों के दिल पे जो है ज़बरदस्ती वो क्या है घर करके बैठा हुआ है। मतलब जब हम डर जाते हैं तो किसी चीज़ के बारे में लगातार हमारे दिल में एकदम बना रहता है ना, बैठ जाता है, क्या ऐसा है, ये भूत आ रहा है, मतलब भूत आ रहा है, भूत आ रहा है, तो ये भी समझ में, उसी तरह का भूत था भूल गलती जो आम लोगों के दिल पे क्या था, जंजीर रूपी कवच पहन के बैठ गया था। चमकते हैं खड़े हथियार उनके दूर से, और ये जो सहनसा था उसका हथियार कैसा था, बहुत लंबा भारी जो था और दूर से ही चमकता था। आंखें निकलती है नुकीली तेज पत्थर से,
और इनकी आंख कैसी थी, इतनी नुकीली, इतनी तेज, जो दूर से ही सबको जो है चुभ जाती थी, है ना। खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे, बेजुबा बेबस सलाम में। और अब क्या है, ये आ गए दरबार में, बैठ गए अब दरबार के सभी जो लोग हैं, ठीक, वो क्या है, सब सिर झुकाए जो है कतार से खड़े हुए हैं, इनको सलाम कह रहे हैं। अनगिनत खम्भों व मेहरबानों थमे दरबारे आम में। और अनगिनत खम्भों मेहरबानों मतलब व्यक्ति की ही तुलना कर रहे हैं कि एकदम तटस्थ ऐसे सिर झुकाए खड़े हैं, जापना आ गया, ऐसा वाला जो इनका होता है डायलॉग, वो सब जब हुआ तो शहंशाह के आगमन पे इसी तरह खड़े हैं। और क्या कह रहे हैं कभी उनको कि ये क्या है, अनगिनत खम्भों और मेहराबों की तरह जो है खड़े हुए, हिल डुल तक नहीं रहे। फिर है मनसबदार शायर और सूफी, ये सब पात्र हैं, वहाँ राज दरबार में रहने वाले लोग हैं, शायर भी है, सूफी भी है, मनसबदार भी है। उसमें क्या है, अल गजाली, इब्ते सिन्ना और अल बरूनी, ये सब क्या हैं, आलियो फजील सिपा साल भी है, और सब सरदार क्या हैं, खामोश हैं। तो इतने सारे लोग क्या हैं इनके दरबार में है, किसके, ये भूल गलती शहंशाह के दरबार में इतने सारे लोग हैं और सब क्या हैं, खामोश हैं। आम आदमी की तुलना में इनके पास ज़्यादा ताकत होगा ना, क्योंकि ये किसी पदवी पे हैं, फिर भी ये क्या है, खामोश हैं। अब शब्द आता है नामंजूर, यहाँ किसकी एंट्री होगी, इससे पहले वाले कथन में क्योंकि ये बीच में है, सत्य की एंट्री हो चुकी है। सत्य को जो है दरबार में जो है जंजीर बांध के जो है उसको लाया जाता है। अब जो पंक्ति पढ़ रही कि इतने सब खड़े हैं, सब जो है चुप हैं, तो वहाँ जो है नामंजूर करके कौन आता है, ईमान, इसको जो है दरबार में लाया जाता है। तो ये क्या कहते हैं, नामंजूर, उसको ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। अब जो ईमान है वो उसको क्या है, कभी कहते हैं कि इसको ज़िंदगी की जो शर्म है वो नामंजूर है, मतलब किसी की गुलामी, किसी के नीचे सिर झुका के उनकी गलत बातों को भी मान लेना ईमान को मंजूर नहीं है। हट इनकार कर सिर तान खुद मुख्तार, और क्या करता है, जिद में इसको राजा बोलता है, सॉरी शहंशाह बोलता है कि सिर झुका मेरे सामने, पर ये क्या होता है, हट में कि नहीं मैं ये सब नहीं स्वीकार कर सकता, ठीक, मुझे ना मंजूर है, और अपना सिर तान के जो है खड़ा हो जाता है। कोई सोचता उस वक्त, अब ये कोई सोचता कौन है, तो वो कोई सोचता क्या है, एक जागृत चेतना, ठीक, मतलब इस परिस्थिति में जहाँ क्रूर शासन चल रहे हैं, जनता सब शहरी, उसके बीच कुछ लोग होते हैं जिनमें क्या है, जागृत चेतना है कि नहीं उसका विरोध करेंगे। तो यहाँ कभी कहता है कि कोई सोचता उस वक्त, छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए साए स्याह के। तो कोई सख्त मतलब वो जागृत चेतना ये सोच रहा है कि सल्तनत पे, किसके, शाहजहाँ शहंशाह की सल्तनत पे क्या छा रहे हैं, घने साए स्याह, मतलब काली जो है बादले छा रही है, और स्याह घने साए उसका अर्थ क्या होगा, काली बादल का अर्थ क्रांति का प्रतीक है, ठीक, कोई कुंठित है इतना, तो आप उसको कितने हद तक और परेशान करोगे, एक ना एक दिन तो इंसान वो क्या है आपका विरोध करेगा ही। तो उस राजनीतिक व्यवस्था की उस भूल गलती जो है शहंशाह के दरबार में अब क्या था, क्रांति के बादल छाए हुए थे, और ये किसको आभास हो रहा है, उस जागृत चेतना को। सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, और वो जो सुल्तान का जिरह बख्तर था, जो जंजीर के कवच थे, अब कभी क्या बोलता है इस पर, इसकी जो है वर्तमान परिस्थिति या फिर इसकी सच्चाई व्यक्त करता है, किसकी, शहंशाह की, कि इनके जो जिरह बख्त है वो क्या है, दरअसल मिट्टी का बना हुआ है, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, और जो शहंशाह है वो क्या है, रेत का ढेर, जिसे छूने से वो भुरभुरा के पूरी तरह गिर जाएगा। साहिर धाक का सबब सिर्फ सन्नाटा है, और ये जो इतना दिखावा करता है, जो चार लोग आगे पीछे लेके घूम रहे हैं, बस उसी के कारण क्या है, ये शहंशाह भूल गलती बचा हुआ है, वरना क्या है, सब तो सन्नाटा है, सब सिर्फ दिखावा मात्र है। फिर कोष्टक में लिखते हैं, लेकिन ना जमाना सांप का काटा है, लेकिन नहीं, इतना सब सच्चाई जानते हुए भी लोग क्या है, सांप का काटा, ऐसा बोलते हैं ना कि सांप सूंघ गया उसको एकदम, तो वैसे ही लोग क्या है, सांप का काटा हुआ है, जो फिर भी इनके ही पक्ष में रहे हैं और इनका ही जो है बातों को सिर झुका के मान रहे हैं, किसकी, भूल गलती
सहनशाह की। और पद है, पढ़ के सुनाओ। लंबा है ये भी, भूल गलती भी, और इससे लंबा ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, तीनों बहुत लंबे लंबे। भूल आलमगीर, मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिरहत पहन खुमखार, हाँ खुमखार अली जा, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बत्तियां दिल को उजाड़े डालता। मतलब वही है कि जो राजनीति व्यवस्था है वो सच्चाई को क्या है, खुमखार होकर अपने आप को और भयानक करके डराता है, सभी लोगों के जो है खून को चूसता रहता है, इसी तरह के जो है वर्णन इसमें है। अगली कविता आप देखते हैं, ब्रह्म राक्षस। भूल गलती समझ है, भूल गलती असल में क्या है, एक सहंसा है जो क्रूर शासन का जो है प्रतिरूप है, और इसमें दो पात्र कौन है, सत्य और ईमान, जो उनका विरोध करते हैं। ठीक, ब्रह्म राक्षस अगली कविता इनकी। ब्रह्म राक्षस किसको कहते हैं, क्या होता है ब्रह्म राक्षस? और ये भी किसमें संकलित है, चांद कमू टेढ़ा, इसी जो है काव्य संग्रह में ब्रह्म राक्षस भी संकलित है। नीचे लिख लेना ये क्या है, फैंटेसी शिल्प में रचित एक लंबी प्रतीकात्मक कविता है। लंबी प्रतीकात्मक कविता है। ब्रह्म राक्षस, दो तरह के अर्थ होते हैं ना ब्रह्म राक्षस, मतलब ये एक समझ लो रूढ़ी है, मिथक है ब्रह्म राक्षस। दो तरह के व्यक्ति, एक कथा ऐसी मानी जाती है सुनी सुनाई कि लोग ऐसे होते हैं ना व्यक्ति जो जो है अनमाने ही मृत्यु उनकी हो जाती है, उनकी आत्मा को क्या है जब मुक्ति नहीं मिलती तो वो ब्रह्म राक्षस बन के क्या है भटकते रहते हैं, उनकी जो भटकती आत्मा है उसी को ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। दूसरा अर्थ में ये लिया जाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक, जिसके पास अपार ज्ञान है, मतलब बहुत सारे जो है वो शास्त्र का इन सब का जो है ज्ञान रखा हुआ है, लेकिन अपने ज्ञान को जो है अन्य लोगों में बढ़ा नहीं पाता, बाँट नहीं पाता, और अपने ज्ञान को अपने अंदर लिए ही ये जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तभी क्या हो जाता है ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो यहाँ दूसरा अर्थ वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जो है बहुत सारी ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो अपनी परंपरा और रूढ़िवाद के चलते अन्य लोगों तक वो ज्ञान का विस्तार नहीं कर पाता, और उस ज्ञान को अपने ही दिन में अपने ही बुद्धि में रख के कुंठित होके जो है मर जाता है। ठीक, तो उस तरह की जो है व्यवस्था का, सॉरी स्थिति का इसमें वर्णन है, और आत्मज्ञान का है कि हम देखें ना कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई, हम आत्मशोध करते हैं तो कभी भी उसी स्थिति पे है कौन, मुक्ति बोध, वो देखते हैं कि उनके अंदर कितनी सारी ज्ञान है, अब उन्हें क्या है अपनी कमियों को दूर करके अपने ज्ञान को बढ़ा के और लोगों को क्या है उसको देना है या और लोगों तक उसको बढ़ाना है। मुक्ति बोध की कविता में प्रारंभ में कथ्य के अनुरूप क्या है परिवेश की सृष्टि होती है, मतलब जैसा कहा गया है तो वो उसकी कविता में पहले परिवेश बताएंगे, उसके पश्चात कथ्य की अभिव्यक्ति करके जो है कथा को मतलब कविता को आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्म राक्षस कविता में भी ऐसे है, पहले हम परिवेश देखेंगे कि किस स्थान पे ब्रह्म राक्षस रहता है, एक बड़ा सा खंडर की तरह स्थान है जहाँ चमगादड़ है उल्लू है, ठीक, ऐसा वाला डरावना वाला चित्र, उस परिवेश का वर्णन है, उसके बाद फिर
कविता। देखिए इसमें आत्मन्वेषण, आत्मशोधन एवं आत्मविस्तार का कविता है। ऐसा बोलते हैं ना, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता है, तो उसी तरह का यहाँ भी स्थिति है कि हम क्या करते हैं, पहले आत्मन्वेषण करते हैं, खुद के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे अंदर जो है हमारी काबिलियत है, फिर शोध करेंगे कि जहाँ काबिलियत है वहाँ क्या होगी, दोष भी होगी, तो दोनों का अध्ययन करके और जो हमारे में गुण हैं उसका क्या करना, विस्तार करना, मतलब अपनी आत्मा का विस्तार करना। तो इसी मनोवृत्ति में ब्रह्म राक्षस भी रहता है, वो भी ज्ञानी है, ठीक कुंडित होते रहते हैं कि मेरे पास इतना ज्ञान है मैं क्या करूँ, पागल की तरह ये होने लगता है। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है इस कविता में। ब्रह्म राक्षस बौद्धिक चेतना का और बावड़ी का जल अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान का प्रतीक है। अब यहाँ दो है क्योंकि प्रतीकात्मक कविता है, तो ये जो ब्रह्म राक्षस है ये क्या है आपका, तो बौद्धिक चेतना का प्रतीक। और एक स्थान है, जगह है बावड़ी का जल, जहाँ पानी भरा रहता है और वही ये ब्रह्म राक्षस रहता है। तो ये जो बावड़ी का जल है ये किसका प्रतीक है, तो ये अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान का प्रतीक है। दोनों में अंतर है, बौद्धिक चेतना ठीक ये एकदम ऊपर स्तर का आपका ज्ञान है, और बावड़ी का जल मतलब अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान जो हम अभी अर्जित कर रहे हैं और जो हमारे दिमाग के तालाब में भरा हुआ है, ठीक अगर उसको बार बार रिवीजन करके हम उसकी धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो वो इकट्ठा होकर सड़ के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बास आ जाएगा, तो उस ज्ञान का क्या है, कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ ब्रह्म राक्षस के पास भी जो ज्ञान था वो भी क्या था, बावड़ी का जल के समान था, अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान। ठीक कविता बताती हूँ फिर स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है। दो पंक्ति बता रही, एक परिवेश का और दूसरा जो है इसकी स्थिति का। चलिए ऑनलाइन वाले आप भी ध्यान से सुनिए, ये जो कविता है ब्रह्म राक्षस, शहर के उस ओर खंडहर की तरफ कैसी स्थिति है, यहाँ जो है जहाँ वो रहता है परिवेश का वर्णन है। तो शहर के एक ओर क्या है, खंडहर है, परित्यक्त सूनी बावड़ी, बावड़ी का तो मैंने बता दिया वो एक ऐसी जगह है जहाँ पानी है। परित्यक्त का मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद करके सोचिए, परित्यक्त क्या होता है, परित्यक्त त्यागा हुआ, मतलब कोई स्थान पे हम काफी लंबे समय से फिर छोड़ दिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका परित्यक्त, या फिर परित्याग वाला भी होता है, पर यहाँ जो है कवि ने शब्द लिया परित्यक्त सुनी बावड़ी, अर्थात बावड़ी क्या है, जीवन की गतिविधियों का प्रतीक है जो क्या है अब बंद पड़ गई है। ठीक उस परित्यक्त सुनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराई या जल की, अब कैसा दृश्य है, शहर के एक ओर क्या है खंडहर है, जहाँ बावड़ी है वो भी सूनी जगह, ठीक और उसके अंदर क्या है, अंधेरे में ठंडी पानी जो है उस बावड़ी के अंदर है। सीढ़ियाँ डूबी अनेकों, अब सीढ़ियाँ किसका प्रतीक है, यहाँ पे आने जाने आवागमन का प्रतीक है। ठीक मतलब यहाँ से आपका ज्ञान आएगा और जाएगा, वो गतिविधि का प्रतीक है। ठीक तो सीढ़ियाँ डूबी अनेकों मतलब आवागमन के माध्यम है, पर उस पुराने घिरे पानी में सीढ़ियाँ जो है अनेकों डूबी है, उस ज्ञान में जो है हम डूबे हुए हैं, समझ में आ न सकता हो, और कैसा ज्ञान है, कैसी सीढ़ियाँ हैं जो डूबी हुई और समझ नहीं आ रही। ठीक ज्ञान है हमारे पास
लेकिन अस्पष्ट है, समझ नहीं है। कोई भी चीज़ हो, महीनों भर पढ़ा हो, आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे तो वो तो भूल ही जाओगे ना। वही बात है यहाँ पे भी, कह रहे परिवेश का है कि वहाँ सीढ़ी है उस बावड़ी में जो क्या है पानी में डूबी हुई और ना समझ आ सकती, इस तरह की है कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो और ना समझ आने वाली क्या चीज़, एक बात, ठीक, एक बात है जो हमें समझ नहीं आ रही लेकिन वो बात क्या है, गहरी आधार लिए हुए, अपने अंदर जो है गहरा अर्थ लिए हुए है, इस तरह के जो है कवि वर्णन करते हैं। बावड़ी के घेर डाले खूब उलझी हैं, और बावड़ी का जो घेरा है वो जो तालाब है गोल है और उसका क्या जो घेरा है वो क्या है, खूब उलझी हुई है जिसको कोई सुलझा ही नहीं सकता। खड़े हैं मौन और दुम्बर, और दुम्बर क्या है, गुलर का वृक्ष है जिसे औषधि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब वन में बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसकी ऊंचाई बहुत होती है, तो यहाँ बोलते हैं इसी परिवेश में कि खड़ी है, खड़े हैं मौन और दुम्बर, और दुम्बर भी क्या है, वो वृक्ष भी क्या है, मौन खड़े हैं, वह शाखाओं पर लटकते घुघुओं के घोंसले। अब घुघुआ क्या होता है, ऑनलाइन वाले कमेंट करें, होता है ना बूढ़े मतलब बुजुर्ग लोग कहते हैं घुघुआ, किसको, उल्लू, ठीक, तो वो जो गुलर का बड़ा बड़ा वृक्ष है इस एरिया में, ये खंडर में, ठीक, जहाँ ऐसा सीढ़ी है जो पानी के अंदर है, ठीक, और बड़ा बड़ा गुलर का ऐसा कोई पेड़ है जहाँ क्या है घुघुआ आपका उल्लू रहता है, ठीक, उस घुघुए का भी क्या है, परिक्त भूरे गोल, हाँ, लटकते घुघुओं के घोंसले, अरे डरावना रहता है बाबा उसका आवाज़। हम लोग कभी जाया ना, वहाँ आया भी था उल्लू, इतना छोटा था, शायद पंचमी या छठी को आया था नवरात्रि के, और मैं अपनी मम्मी कॉल करके बोली मम्मी देखो उल्लू आया है, अरे नहीं देखते, रात को जाकर और निकल वहाँ से, और एकदम उड़ के पास में आया, अजीब से ऐसे पूरा गर्दन घुमाया, जो हम लोग डर के भागे। हाँ है, लेकिन दो तरह के होते हैं ना उल्लू, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे, और कुछ नॉर्मल जंगली उल्लू ऐसा करके। अब वो मानने वाली बात है, मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ नहीं, ऐसा वाला। तो यहाँ भी क्या है, इस जगह में घुघुआ है और उसका घोंसला है, वो भी घोंसला कैसा, परिक्त, ये छोड़ दिया है ऐसा गोल गोल इसका घोंसला है, और भूरे रंग का है, भूरा रंग क्या है, पुराने होने का प्रतीक है, ठीक, डरावना वाला माहौल चल रहा है यहाँ, कहाँ ब्रह्म राक्षस के घर का। परिक्त भूरे गोल विगत सतपूर्ण का आभास है, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह। और अब क्या है, आहट हो रही है किसी की आने की, एक कच्ची गंध है, एक ऐसी जंगल, जंगल में कुछ गंध आता है ना, अब गंध मतलब तो बदबू होता है, लेकिन यहाँ कभी गंध मतलब कुछ अच्छी गंध से लिए हैं कि जंगल में क्या है, एक अच्छी गंध जो है बस चुकी है, हवा में वो तैर रही है, बनता है गहन संदेह, और उसी गंध से संदेह बनता है कि कोई आया है, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लग रही है। अब कभी अकेले किसी कमरे में रह के देखना, एक छोटा सा आवाज़ भी आ जाए तो वो मन में एकदम बैठ जाता है कि कोई तो आया है, कोई तो आया है। तो कवि के साथ भी वही परिस्थिति है, ये जो जगह है गुफा है वहाँ जिस तरह की हवा चल रही है, गंध चल रहा है, तो उनसे लगता है कि वो गंध भय बन के उनके दिल में क्या है, बैठ चुकी है, खटक रही है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर ले पुष्प तारे से। अब यहाँ एक स्त्री का वर्णन है, ठीक, जो क्या है इस बावड़ी, इस तालाब के मुंडेरी पर जो है बैठी हुई कैसी लग रही है, एक श्वेत सुंदरी की तरह लग रही है, श्वेत तारे की तरह जो है लग रही है, जिसको देख के कवि क्या कहते हैं, मतलब वो उनके मन में खटक गई है कि ये वास्तव में सुंदरी है या कोई भ्रम है। अब यहाँ से ब्रह्म राक्षस की स्थिति का वर्णन है, यहाँ तो उसके घर का परिवेश का हो गया, अब है बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य, शून्य मतलब जहाँ पूर्ण रूप से अंधेरा है, कुछ नहीं है, ब्रह्म राक्षस एक पैठा है, वहाँ पैठा का अर्थ क्या है, बैठा है। अब इसी अंधेरी बावड़ी में कौन, एक ब्रह्म राक्षस बैठा है,
वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, और उसके अंदर उस ब्रह्म राक्षस के अंदर जिसके अंदर जो है अथाह ज्ञान भरा हुआ है, वो ज्ञान क्या है उसके दिमाग में उसके मन में उमड़ रही है, बार बार गूंज रही है हड़बड़ाहट शब्द पागल से। और ऐसा होता है कभी अचानक से हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है बात, तो हमारा मुंह जो है लड़खड़ा जाता है हमारे शब्द, और कुछ के कुछ निकल जाते हैं। तो इसके साथ भी ऐसा होता है ब्रह्म राक्षस के साथ कि इसके जो है बुद्धि में जो है इतने ज्ञान है जो क्या हड़बड़ाहट वाले पागलपन के शब्द से निकलता है, मतलब बड़बड़ा रहा है ये, ठीक। और कैसा दिख रहा है कवि को, पागल। गहन अनुमानिता तन की मलिनता, और गहन अनुमानिता मतलब बहुत ज़्यादा इसको जो है अनुमान है चीज़ों की और अनुभूति भी है। तन की मलिनता, और मलिनता मतलब गंदगी समझ लीजिए, मैल किसकी, तन की। तो यहाँ तन की मलिनता का वर्णन है, मतलब चेतना की मलिनता, जो इनका बुद्धि अब मलिन हो चुका है इतने सारे ज्ञान भर के, जो कोई काम के नहीं, जिसे वो किसी को दे ही नहीं पाया, तो अब इसकी चेतना क्या है, मलिन हो चुकी है, कुंठित हो चुकी है। दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया, दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने, ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर बाह छाती मुँह छपाछप। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने तन को, मतलब अपनी चेतना को जो मलिन है उसको स्वच्छ करने के लिए बार बार हर चीज़ को घिस रहा है ना, अपने मुंह को, छाती को, पंजे को, पूरा जो है इसका वही वर्णन है। ये मैं सेंड कर दूंगी, बहुत बड़ा कविता है, पूरे लास्ट तक इसमें है, ठीक। इसमें ब्रह्म राक्षस की स्थिति का वर्णन है, पहला शुरुआत है वो आपकी क्या है, परिवेश का है कि किस स्थान पे किस स्थिति में जो है वो रह रहा है, जहाँ चारों अंधेरा है। उसके बाद उसके ज्ञान की जो चेतना है वो क्या है, कुंठित हो चुकी है, उसका वर्णन। अगला इनकी अंतिम कविता है अंधेरे में, इसकी मुक्ति बोध की, इसके बाद जो है नई कविता शुरू करते हैं, आज उसको भी कंप्लीट करना ही है। और उसका भी संकलन किसमें है, तो हाँ चांद का मुंह टेढ़ा में, ठीक। और ये जो चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी जो काव्य रचना थी, क्योंकि इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, तो उसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया था, तो श्रीकांत वर्मा ने ही किया था। ये अंधेरे में भी काफी लंबी कविता है, यहाँ कवि जो है खुद को लेके वर्णन करता है, ठीक। अंधेरे में कविता लिख लीजिए किसमें संकलित है, तो 1964 में प्रकाशित चांद का मुंह टेढ़ा। इनका काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, कौन सी रचना, अंधेरे में। इससे पहले ब्रह्म राक्षस भी इसी में संकलित है, और उससे पहला वाला भूल गलती वो भी जो है चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, जो मुक्ति बोध के मृत्यु के पश्चात, जस्ट उसके कुछ वक्त के पश्चात जो है प्रकाशन में आई थी। इसमें क्या है, 8 भाग हैं, और 8 भागों में विभक्त ये क्या है, लंबी कविता है। ठीक, अब जो मुक्तिबोध रचनावली है उसको किसने लिखा है, नेमी चंद्र जैन ने। तो वो क्या थे, कुछ हद तक इनके समकालीन थे, इनसे जो है मिल चुके थे, तो वो क्या कहते हैं कि इनकी ये जो रचना है अंधेरे में, वो उसका रचना काल 1957 से 1962 के मध्य मानते हैं, 1957 से 1962 के मध्य कौन मानता है, तो
गजानंद माधव मुक्ति बोध का जो मुक्ति बोध रचनावली है उसके रचयिता नेमी चंद्र जैन, अंधेरे में कविता की रचना 1957 से 1962 के मध्य मानते हैं, मतलब उनके मृत्यु के पहले ही उन्होंने जो है ये रचनाएं या ये कविताएं लिख ली थी। और यही उनकी आखिरी कविता भी है ना, इसी को लिखने के पश्चात कुछ वर्ष के पश्चात उनकी मृत्यु हुई थी, अंधेरे में कविता। ये भी क्या है, नाटकीय शिल्प पे रचित फैंटसी में ढली कविता है और इसमें भी क्या है, प्रतीकात्मकता है। नाटकीय शिल्प फैंटसी में ढली प्रतीकात्मक कविता। हो गया, इसमें क्या है, मुक्तिबोध ने अपने समय के प्रखर यथार्थ को, सत्ता के दमनकारी जन विरोधी चेहरे को, आतंक भय और यातना, हिंसा और रक्तपात की बुनियाद पर टिकी उसकी एक एक ईंट को जो है बेनकाब किया है। तो परिस्थिति समझे, इसमें भी जो है तत्कालीन राजनीतिक वर्णन का जो है, राजनीतिक जो है परिवेश का और उनके द्वारा किए गए जो है शासन का जो है वर्णन करते हैं कौन, मुक्तिबोध अपनी कविता अंधेरे में कविता में। इसका भी मूल कथन आत्मन्वेषण है, कवि जो है खुद की चेतना को ढूंढने का प्रयास करता है और तत्संबंधित आत्म साक्षरता की प्रक्रिया का स्पष्ट अभिव्यक्ति है। और अब कवि क्या कर रहे हैं, आत्म अन्वेषण कर रहे हैं, खुद के अंतर्गत अपनी चेतनाओं की जो है जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस क्रम में क्या है कि कवि का सजग अन्वेषण रात के अंधेरे में, घनी लूटपाट के दृश्य में और जिंदगी की बेबसी में और रात के सन्नाटे में सिटी की आवाज़ सुनकर भी निरंतर चलता है। तो ये परिवेश है, रात में अंधेरा है, लूटपाट मच रही है, सिटी की आवाज़ है, सन्नाटा भी है, ठीक उन परिवेश में इन्होंने क्या है कविता जो है निरंतर लिख रहे हैं, मतलब अपनी आत्म चेतना को जो है जागृत करने, खुद में जो है आत्म केंद्रित है। अब इनकी पंक्ति पढ़ती हूँ तो स्पष्ट हो जाएगा। इनकी पंक्ति है, कवि कहते हैं अंधेरे कविता में, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार। अब जिंदगी के कमरों, जिंदगी मतलब उनका जिंदगी और कमरे का यहाँ अर्थ क्या होगा, उनका हृदय, ठीक। तो इस जिंदगी के कमरे में, उनके शरीर के इस हृदय में क्या है, पूर्ण रूप से अंधेरा है। कोई एक लगातार, और यहाँ कोई एक मतलब एक चेतना है, जागृत चेतना जो लगातार क्या है चक्कर काट रही है। तो अंतः चेतना व्याकुलता और छटपटाहट है उनके अंदर, ठीक। उनके हृदय के अंदर जो उनकी चेतना है वो क्या है, व्याकुल हो रही है, छटपटा रही है। तो कवि को क्या लगता है कि कोई तो है, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार, पर नहीं दिखता और नहीं ही दिखता, ठीक। अब आपके हृदय के अंतर्गत की जो भावनाएं हैं वो आपको थोड़ी ना दिखाई दे सकती, वो बस क्या है आपको आभास हो सकती है। तो कवि क्या कह रहा है कि बार बार जो आवाज़ तो आ रही है पर इतना ढूंढने पर भी ना वो दिख रहा और दिखाई ही नहीं दे रहा, मतलब उन्होंने कोशिश किया देखने का पर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उन्होंने बार बार ये शब्द कहा है। किंतु वो रहा घूम तिलिस्मयी खोह में गिरफ्तार कोई एक, वो घूम रहा है कहाँ, तिलिस्मयी खोह मतलब, तिलिस्मयी मतलब जादुई रहस्य और खोह मतलब गुफा। तो वो क्या है, घूम रहा है और किसमें गिरफ्तार है, एक जादुई गुफा में, ठीक, एक रहस्यमय गुफा में जिसको कभी खुद नहीं जानता। भीत पार आती हुई पास से, अब ये भीत पार क्या है, दीवार के पार, ठीक, उनके हृदय के पार जो है आ रही है, गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा, अस्तित्व अनिवार्य कोई एक, अनिवार्य मतलब जो है ही, ठीक, यहाँ वो अर्थ है। और मेरे हृदय की धक धक मतलब दिन की उनकी जो धड़कनें हैं पूछती है
कि वो कौन है। अंधेरा परिवेश कवि जो है रचना कर रहे हैं, मतलब अपनी जो है अंत चेतना को जो है जागृत करने के प्रयास में है, और तभी उनकी जो है ये स्थिति थी जिसका वो वर्णन करते हैं कि कोई है लेकिन कौन है वो इनको भी नहीं पता। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरे सब ओर निस्तब्ध जल, पर भीतर में उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशों में कोई श्वेत आकृति। ये उनके अंदर की ही जो है भावनाएं हैं, ठीक। कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है किंतु मैं हतप्रभ नहीं वो समझ में आता है। इस तरह की इन्होंने जो है अपनी अभिव्यक्ति की जो उनके हृदय के अंतर्गत चल रही है, उन भावनाओं को जो है कवि ने अपनी कविता अंधेरे में व्यक्त किया है, जो इनकी अंतिम कविता है और किसमें संकलित है, तो चांद का मुंह टेढ़ा, और इसमें क्या है 8 भाग है। ये कंप्लीट आपका नई कविता आज। अब समकालीन कविता का भी देख लो, वो भी पूछा जाता है। 60 उत्तरी कविता पहले आई और फिर समकालीन कविता। मैं बस बोल रही हूँ उसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको वो लिखना है। ये जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का काल जब समाप्त हुआ, फिर 1961 से, ठीक है, 1961 से जो है आपके 60 उत्तरी कविता और समकालीन कविता का आंदोलन एक प्रकार से कहे चला आना शुरू हुआ, जिसमें कोई ऐसा रचना नहीं हुआ जो आम जनता को जो है प्रभावित कर सके। मतलब इस परिस्थिति में कविता क्या थी, अपने स्थान से, अपने विषय से पूर्ण रूप से भटक चुकी थी। क्योंकि परिस्थिति क्या था, यहाँ भारत आज़ाद हो चुका था, 1961 का जो समय चल रहा था, और भारत चीन का युद्ध होता है, भारत पराजित हो जाता है, उसके बाद भी 2-3 युद्ध होते रहते हैं। तो अभी अभी एक ऐसा देश जो क्या है स्वतंत्र हो के अपने पैरों पे खड़ा हुआ और वो हारे जा रहे हैं, तो उस स्थिति में वहाँ के लोग, वहाँ की जो कवि हैं, उनका मन क्या था, व्याकुल था, हार चुका था, टूट चुका था, और वैसी स्थिति में उन्होंने क्या की, कविता लिखी है। तो लिखिए समकालीन कविता और 60 उत्तरी कविता आंदोलन, या रुकिए पहले 60 उत्तरी कविता लिख लीजिए और फिर समकालीन कविता आंदोलन। कालीन कविता आंदोलन, कितने तरह के जो हिंदी साहित्य में ये 1960 के बाद से आंदोलन हुए थे, नई कविता के बाद और क्या क्या। एक तो 60 उत्तरी नाम से हुआ, समकालीन कविता थी, उसके अलावा जनवादी कविता है ना, और अकविता, इस तरह के जो है बहुत सारे आंदोलन हुए थे। लगभग 41 आंदोलन जो है लगातार होते थे। किस तरह से हुए, नए जो कवि होते थे नए नए पत्रिका प्रकाशन कर रहे और नए नए उसी पत्रिका से आंदोलन शुरू करते जा रहे थे, तो वो मतलब एक फैशन की तरह था, क्योंकि कविता इनका मूल उद्देश्य अब रहा ही नहीं, वो तो अपने विषय से क्या था, पूर्णतः भटक चुका था। कब, इस 7वें दशक के बाद, मतलब 1960 के बाद। लिखिए ऑनलाइन वाले आप भी लिखिए 60 उत्तरी कविता व समकालीन कविता में 1960 के बाद की कविता 60 उत्तरी कविता कहलाती है। कब की, 1960 के बाद की। और 1960 के बाद क्या चला था आपका, 7वां दशक। 1970 के बाद 8वां दशक चालू हुआ, ठीक, सन में है और दशक में है। तो 7वें दशक के पश्चात, अब नीचे लिखिए 1960 में क्या हुआ, 60 उत्तरी कविता जो है प्रारंभ हुई। अब 7वें दशक के पश्चात कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया। दोनों ही लगभग सेम थे, लेकिन इसमें कुछ जो थे अंतर थे, किसमें, 60 उत्तरी और समकालीन में, समान समझते हैं पर ये है नहीं। डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय,
कौन? डॉक्टर विश्वंभर। उपाध्याय और कौन था? बच्चन सिंह। डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय और डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या है, किसकी बात हो रही है? समकालीन कविता की। तो उन्होंने क्या है, समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता कहा है। किसने? विश्वंभर नाथ ने और डॉक्टर बच्चन सिंह ने। समकालीन कविता को क्या कहा है? साठोत्तरी कविता कहा है, ये प्रश्न में पूछा जाता है। तो याद रखना, विश्वंभर नाथ उपाध्याय और कौन? बच्चन सिंह। इन्होंने क्या कहा? तो समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता कहा है। अधिकांश साठोत्तर कवियों ने शोर अधिक किया। अब किस तरह की परिस्थिति थी? तो अधिकांश साठोत्तर कवियों ने क्या है, शोर अधिक किया। कविता को आंदोलन से जोड़कर नाम अधिक उछाला। बस शोर कर रहे हैं, नाम उछाल रहे हैं, लेकिन कविता हताशा की जो है दिशा में इस ओर जाती है और कविताएं कम लिखी गई। मतलब ये क्या है, शोर कर रहे हैं, कविता नई कविता के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मूल कवि, ठीक, मूल कवि का जो कार्य था ऐसी कविता रचना जो आम लोगों को जो है प्रभावित करें, उस तरह की कोई भी कविता रचना जो है इस काल में देखने को नहीं मिलती। डॉक्टर बच्चन कहते हैं, लिखिए डॉक्टर बच्चन सी डैश करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए इनका कथन। सन 1962 में चीन भारत युद्ध के परिणाम स्वरूप देश का स्वाभिमान बुरी तरह आहत हुआ। कविता हताशा की दिशा की ओर मुड़ गई। हो गया, ये किसका कथन है? तो बच्चन सिंह। अब मैंने बताया था कि इस दौर में लगभग कितने आंदोलन हुए थे? 44 आंदोलन हुए थे। और क्या आंदोलन? कविता आंदोलन ना, 44 जो है कविता आंदोलन हुए थे, ठीक। लगभग 44 कविता आंदोलन के नाम जो है सुनने में आए थे। अब जो मेन पूछा जाता है वो लिखिए, डॉक्टर जगदीश गुप्त। कौन? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने अपनी कृति नई कविता स्वरूप और समस्याएं, क्या थी इनकी कृति? नई कविता स्वरूप और समस्याएं, ठीक, नई कविता स्वरूप और समस्याओं में लगभग 27 कविता आंदोलन, कितने? 27 लगभग 27 कविता आंदोलनों की सूची दी है। अब उन्हीं 27 कविता आंदोलन में जो महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न UGC नेट और सेट में पूछे गए हैं, उन जो है कविता आंदोलन को हम अभी देखेंगे, ठीक। टोटल कितना था? 42 कविता आंदोलन हुआ। कब? समकालीन कविता काल में, 60-70 कविता के समय में या 7वें दशक में। उसमें से 27 कविता आंदोलन का वर्णन या कविता आंदोलन की सूची कौन देता है? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त। और उनकी रचना क्या थी? नई कविता स्वरूप और समस्याएं, ठीक। अब
क्रम से जो है लिखते जाइए, मैं बोल रही जो कविताएं आंदोलन हुई है वो। सबसे पहले सनातन सूर्योदयी कविता, सनातन सूर्योदयी कविता हो गया। अगला है अभिनव कविता, दूसरे क्रम में आपका आएगा अभिनव कविता। फिर बीट कविता, अरे जो बीट कविता है ये अमेरिका के जो प्रसिद्ध कविताकार थे गिन्सबर्ग, उनकी रचनाओं से प्रभावित हो के जो है बीट कविता हिंदी साहित्य में चली। 2 साल के लिए जो भारत भी आए थे अपनी काव्य रचना के लिए, और यहाँ एक घूमे भी हैं बहुत, और काफ़ी सारी उन्होंने रचनाएं भी भारत के संबंध में की थी, एक दो उनकी ग्रंथ भी फेमस है। तो बीट कविता तीसरे में आया। चौथा लिखिए कविता आंदोलन में ताजी कविता, ताजी कविता। पांचवा हो जाएगा आपका प्रतिबद्ध कविता, प्रतिबद्ध कविता। युयुत्सावादी कविता, ये सब आंदोलनों के नाम हैं जो पूछे जाते हैं। युयुत्सावादी कविता हो गया। फिर है अस्वीकृत कविता, अगले क्रम में आपका कौन सा कविता आंदोलन आ जाएगा, अस्वीकृत कविता। फिर महत्वपूर्ण है अकविता, ये बार बार प्रश्न में पूछा जाता है अकविता क्या है, कौन इसके प्रारंभकर्ता थे। नौवा है निर्दिशामी कविता, सॉरी निर्दिशायामी कविता, ये लिखें। निर्दिशायामी कविता। फिर सहज कविता, 10वें नंबर पे सहज कविता, और 11वां में आपका है नव गीत आंदोलन। और ये जो सारी कविताएं आंदोलन है वो किस ओर संकेत करती है, तो कविता के विकृत रूप की ओर, क्योंकि इनके लिए एक फैशन था ना, बहुत लोग जीन्स पहन रहे हैं तो हम भी फटी जीन्स पहन ले, ऐसा था। लेकिन मूल इनकी कविता में कोई मुख्य विषय नहीं थी, कोई सार्गर्भिकता नहीं थी। पहला जो था सनातन सूर्योदयी कविता, 1962 में वीरेंद्र कुमार जैन ने जो है इसका प्रवर्तन किया, 1962 वीरेंद्र कुमार जैन, किस पत्रिका में किया वो भी लिखोगे, भारतीय पत्रिका में होली रंग उत्सव विशेषांक के माध्यम से किया था सूर्योदय, सनातन सूर्योदय कविता का सूत्रपात। किसने किया यही पूछा जाएगा कि किस कविता आंदोलन का सूत्रपात किस कवि ने किस सन में किया था, ठीक। तो वो याद रखना, सनातन सूर्योदय का किसने किया, वीरेंद्र कुमार जैन, 1962 में। कौन सी पत्रिका, तो भारतीय पत्रिका, और इनका विशेषांक क्या था, होली रंग उत्सव विशेषांक के नाम से किया था। दूसरा है आपका नूतन कविता, यही जो भारतीय पत्रिका है उसी में 3 वर्ष के बाद 1965 में सनातन सूर्योदय कविता के स्थान पर क्या है, नूतन कविता का स्वर सुनाई देने लगा। इसका प्रवर्तक कौन था वो स्पष्ट नहीं दिया गया है, लेकिन 3 वर्ष के बाद जहाँ सनातनी सूर्योदय कविता हुआ वहीं पे नई नूतन कविता का जन्म हुआ, कहाँ से, भारतीय पत्रिका से, 1965। हो गया।
फिर है तीसरा कौन सा है, कौन सा आंदोलन? इसके बाद और लिख लीजिए, एक अभिनव काव्य, नूतन कविता के नीचे अभिनव काव्य, क्योंकि इसका भी पूछा गया है। इसके जो प्रवर्तक है कौन है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। के संरक्षण में रमेश कुंतल मेघ और गंगा प्रसाद विमल। कौन कौन? रमेश कुंतल मेघ, गंगा प्रसाद विमल ने कौन सी पत्रिका या कौन सा विषांग था? अभिव्यक्ति भाग एक, अभिव्यक्ति भाग एक, इसी में क्या किया? अभिनव काव्य के नाम से नए जो है कविता को समाज के सामने ला खड़ा किया। पर कोई भी जो है इस अभिनव काव्य के ग्रंथों से प्रभावित नहीं हुआ, मतलब जिस तरह से, जिस जोश के साथ ये आंदोलन चला था अभिनव काव्य वाला, वो जो था बिल्कुल खोखला रहा, थोड़े ही वक्त में शांत हो गया। अब लिखिए भीट कविता। किसका प्रभाव है? तो अमेरिकी ब्रिटानिक प्रभाव के कारण। कौन? राजकमल चौधरी। कौन प्रभावित होगा? आपका राजकमल चौधरी के नेतृत्व में बीट कविता की घोषणा की गई। और ये जो बीट कविता है इसका समर्थन और किस किस जो है कवियों ने किया, तो वो लिखिए प्रभाकर माचवे, त्रिलोचन और शमशेर बहादुर। प्रभाकर माचवे, त्रिलोचन और शमशेर बहादुर ने क्या किया? रामकमल चौधरी की बीट कविता का जो है समर्थन किया है। ये बीट कविता पूछा जाता है ना, इसको और अच्छे से पढ़ना। अकविता, बीट कविता, जनवादी कविता, ये तीन चार पूछे जाते हैं क्रम से भी, और कौन इसके जो है स्थापनाकार है, कौन इसको चलाने वाला था। युयुत्सावादी कविता जो है, ये जो है इसका अर्थ क्या होता है? युयुत्सावादी मतलब वो व्यक्ति जो संघर्ष करने के लिए तत्पर रहे या संघर्ष के कार्य के लिए। तो इसका प्रकाशन किससे हुआ? युयुत्सा पत्रिका से। युयुत्सा कविता युयुत्सा पत्रिका से संबंधित है और इसके प्रवर्तक सलक श्री राम सिंह, सलभ श्री राम सिंह युयुत्सा पत्रिका चलाई और उसी में जो है युयुत्सावादी कविता का लहर इन्होंने प्रारंभ की। और इनके अनुसार, किसके? सलभ श्री राम सिंह के अनुसार युयुत्सा ही साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा। युयुत्सा मतलब संघर्ष, संघर्ष क्या है? साहित्य सृजन की क्या है? मूल प्रेरणा है। अस्वीकृति कविता, अगला जो है अस्वीकृति कविता, आठ मिनट बाकी है, आठ मिनट में ये कंप्लीट कराना है। नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम में पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक, उसका लिख लेना। ये अकविता का बस लिख लीजिए, 1966 में उत्कर्ष पत्रिका में चलाने वाला कौन था? श्रीराम शुक्ल। अस्वीकृत कविता 1966 उत्कर्ष पत्रिका में, और प्रवर्तक कौन था? तो श्रीराम शुक्ल, ठीक। और इसकी वकालत याद रखना किसने की थी? गिरजा कुमार माथुर ने। अब जो इम्पोर्टेंट है अकविता, उसका पूरा पूरा लिख लीजिए और जन्मादि कविता, बाकी को गोली मार दो। अकविता, श्याम परमार के नेतृत्व में अकविता आंदोलन शुरू हुई, तो लिख लीजिए श्याम परमार, नेतृत्व करता या फिर प्रारंभ करता श्याम परमार।
और कौन सी पत्रिका, तो आ कविता पत्रिका में ही के माध्यम से ही ये जो है आ कविता आंदोलन चलाई गई। कौन सी पत्रिका? आ कविता पत्रिका। आ कविता आंदोलन चलाने वाला श्याम परमार था, पूछा जाता है बार बार नीट सेट के प्रश्नों में। और इसमें सहयोग कौन कौन थे वो लिख लीजिए। इसमें जगदीश चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद विमल, सौमित्र मोहन आदि शामिल थे। जगदीश चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद विमल, सौमित्र मोहन आदि जो थे शामिल थे। किसमें? आ कविता में, ठीक, जिसका नेतृत्व किसने किया था? श्याम परमार ने। और पत्रिका का क्या नाम था? आ कविता की पत्रिका क्या होगी? आ कविता। युयुत्सु आदि कविता की पत्रिका युयुत्सा। और इसमें आ कविता में विजप नामक प्रसिद्ध काव्य संकलन किया गया। क्या नाम से? विजप। आ कविता में विजप नाम से जो है प्रसिद्ध काव्य संग्रह लिखी गई थी। अब ये विजप क्या है? तो जो मैंने नाम लिखवाया था, गंगा प्रसाद विमल का वी, जगदीश चतुर्वेदी का जा और श्याम परमार का पा, क्या हुआ? विजप। इन तीनों कवियों की कविताओं का संकलन करके विजप में आ कविता कालीन समय में जो है प्रकाशित की गई थी। और धूमिल ने भी इसका क्या है? समर्थन किया है। कुछ वक्त तक ये भी जो है आ कविता आंदोलन और इसकी रचनाएं प्रसिद्ध रही, फिर ये भी क्या हुई? समय के साथ फीकी पड़ गई। जनवादी कविता लिख लीजिए 1967 के आसपास। और इसका प्रभाव न के बराबर था, बस इतना लिख लीजिए 1967, और प्रभाव न के बराबर। इसका प्रकाशक कौन था, मतलब नेतृत्वकर्ता, वो सब नहीं दिया है। हो गया। एक लास्ट है लिखना है, सहज कविता लिख लीजिए। सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भ्रमर के नेतृत्व में सहज कविता। अगली कौन सी है? सहज कविता। नेतृत्वकर्ता कौन था? और ये कब हुआ? 70 दशक के अंत से प्रारंभ हुआ ना, मतलब 1970 से के बाद से समझ लीजिए, 60 खत्म हो रहा था उसके बाद, 1970 से प्रारंभ। तो डॉक्टर रविंद्र भ्रमर के नेतृत्व में संपादकत्व क्या था 1968 में एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया, उसका नाम नहीं पता पर 1968 में किया वो है, उसी के माध्यम से सहज कविता की बात की। सहज कविता नई कविता की पुनः प्रस्तुति मात्र थी। साहित्यकार क्या मानते हैं कि ये जो सहज कविता थी वो जो नई कविता का समय था उसी कविता का, नई कविता का पुनः प्रस्तुति मात्र थी। सहज कविता नई कविता की पुनः प्रस्तुति मात्र थी। पूछ सकता है नई कविता की पुनः प्रस्तुति किसे माना जाता है? तो सहज कविता को। अब इसके समर्थनकर्ता लिख लीजिए, फेमस कवि हैं या फिर साहित्यकार हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञे दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, हो गया, इंद्रनाथ मदन, राजकमल चौधरी आदि। ये सब कौन थे? सहज कविता के समर्थक थे। मतलब समझ लो सहज कविता ही लास्ट में आया और यही क्या था, ज़्यादा फेमस रहा होगा। और ये जो समकालीन कविता थी, किस तरह की कविता होती थी इसमें? तो इसके अंतर्गत विद्रोह, अस्वीकार, निषेध और सपाट बयानी जैसी प्रवृत्ति उभर कर सामने आई। बोलूं? विद्रोह, अस्वीकार, निषेध और सपाट बयानी जैसी प्रवृत्ति संबंधित जो है रचनाएं हुई थी। किसमें? समकालीन कविता। विद्रोह, अस्वीकार, निषेध और सपाट बयानी। कुछ कवि लिख लीजिए,
और उनकी रचनाएं साइड साइड में। इंदु जैन समकालीन कवि हैं, उनकी रचनाएं 64 कविताएं। इंदु जैन 64 कविताएं। नीचे लिखे कृष्णदत्त पालीवाल, हथेली पर लिखा अध्याय। क्या कविता? हथेली पर लिखा अध्याय। शंभुनाथ सिंह, खंडित सेतु। शमशेर बहादुर सिंह, कुछ और कविताएं। ये सब समकालीन कवि हैं और उनकी प्रमुख समकालीन रचनाएं। एक एक है ताकि याद रहेगा। शकुंतला माथुर, ये द्वितीय तार सप्तक की थी, है ना, जिसका हरण कौन करता है? सर्वेश्वर और शमशेर ने शकुंतला का हरण करके भागा वाला। तो शकुंतला माथुर, अभी और कुछ। कुछ और कविताएं किसकी है? शमशेर बहादुर की। और शकुंतला का जस्ट उल्टा, अभी और कुछ। हो गया, क्यों और लिखना है? वैसे तो क्लास हो गया, गर्मी भी है और ठीक। तो आज ये कंप्लीट, क्या आपका नई कविता। कल मैं पूरा पूछूंगी एक एक क्वेश्चन, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और ये समकालीन कविता का। ठीक, संडे को जो टेस्ट है उसमें कितना तक का देना आप लोग बताओ, फिर मैं आगे का क्वेश्चन उसी से सेट करूंगी। पूरा देना है शुरू से लेके अभी तक, एक घंटे का रहेगा। आपको आराम से 11 बजे बैठ के 12 बजे तक क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, सॉल्व करना है और फिर बताना है कितना सही हुआ कितना गलत। ठीक, और ईमानदारी से ना, कोई चीटिंग नहीं करेगा। बना तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। तो कहाँ से पूरा दूँ या कहाँ से कहाँ तक पढ़ लोगे? ऑनलाइन वाले आप भी कमेंट करो, अभी नया जो पढ़े थे छायावाद से कि भारतेंदु युग से। ठीक है, तो भारतेंदु युग से अभी तक। ठीक है, नई कविता समकालीन कविता की कुछ कुछ एक एक दो दो एक एक दो दो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही आएगा, पढ़ा वाला ही। ठीक, तो अच्छे से रिवीजन करना, अभी 2-3 दिन और है ना। तो कल से हमारा नया बैच समझ लीजिए या नया विषय उपन्यास, जो ज़्यादा मज़ेदार रहेगा और मेरे को लगता है कि ज़्यादा जल्दी वो कंप्लीट हो जाए। तो कल की क्लास से हम उपन्यास पढ़ेंगे, जो UGC नेट के जो है सिलेबस में हमारे संकलित हैं। क्या क्या है वो सब पात्र, क्या कथन, कौन उसके लेखक है उपन्यास के, जो इम्पोर्टेंट है वो सब जो है पढ़ेंगे। और आपको मूल उपन्यास टेलीग्राम के ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आप उसे एक बार पढ़ें और आपको ये पता रहे कि कौन सा कथन किसका है। अब उसके लिए तो वक्त निकालना पड़ेगा नेट सेट वालों को। अब जब तैयारी में आप आए हो, जंग में आए हो, तो पूरे मेहनत से लड़िए और जो है जीत जाइए। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में, और आप सभी को जो है अब तक का पढ़ाया हुआ अच्छे से रिवीजन करके आना है। ठीक, धन्यवाद।